सुल्तानपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से एक नकली पुलिस वाला धरा गया है, जो कि फर्जी कागजात और फर्जी बायोमेट्रिक्स के बल पर भर्ती हुआ, फिर ट्रेनिंग भी लेने लगा। लेकिन इसी बीच साहिब के साथ कांड हो गया और सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। दरअसल साल 2020 और 21 में पुलिस की भर्ती हुई। मथुरा जिले के थाना मोहझील के ग्राम गढ़ी सामंता में रहने वाले ध्रुव चौधरी को भी चुना गया। ध्रुव अमहट के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पहुंचा और ट्रेनिंग शुरू कर दी। 4 महीने से ध्रुव चौधरी की ट्रेनिंग जारी है। इसी बीच हाई कोर्ट ने ट्रेनिंग ले रहे सभी प्रशिक्षुओं के कागजात और बायोमेट्रिक्स चेक करने के आदेश जारी कर दिए। बस यहीं से मामला खराब होने लगा और ध्रुव बीमारी का बहाना बनाकर घर भाग गया। घर पर रहने के दौरान उसने मुख्य परीक्षा देने वाले सॉल्वर का बायोमेट्रिक क्लोन बनवाया और अंगूठे पर लगाकर वापस ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया। बीती 7 जुलाई को ट्रेनिंग सेंटर पर बायोमेट्रिक्स जांच होने लगी। मौके पर भर्ती कराने वाली कंपनी के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें ध्रुव पर शक होने लगा। इसके बाद अधिकारियों ने ध्रुव का अंगूठा खुरचवाया, जिससे क्लोन उतर गया और फिर मिलान करने पर उसकी कोई डिटेल नहीं मिली। बायोमेट्रिक देखकर खुद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में मौके पर नगर कोतवाली पुलिस को बुलाया गया और ध्रुव चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं इस मामले पर SP सोमेन वर्मा का साफ कहना है कि सर्विलांस टीम को मामले की तफ्तीश में जुटाया गया है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। SP को शक है कि इस मामले के तार दूसरे जिलों से जुड़े भी हो सकते हैं। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।